मेरा ऐसा था कि आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ. जब मैंने ये एडवर्टीजमेंट गेट टू नो द अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट, इट इज़ बेसिकली उनको प्रेफरबली लॉयर्स चाहिए थे. अच्छा. तो मेरा तो पहले मोटिवेशन सेल यही बन गया कि मैं लॉयर हूँ. तो सो आई अप्लाइड एज अ लॉयर. थोड़ी सी वर्किंग आपको पता ही होगी मोटरवे की, क्या है कि वी आर रेगुलेटिंग द रोड्स, फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट अकरिंग ऑन द रोड वी आर जजेस ऑफ द पॉइंट. सो एज अ लॉयर आई ज्वाइन द पुलिस. और ये मुझे मुझे यही चीज मोटिवेट की क्या है मैं लॉयर. देन फ्रॉम द फैमिली रिटेलिएशन आई डेंट गेट, मतलब मुझे कोई ज्यादा रिटेलिएट नहीं किया फैमिली ने. दे न्यू माई पैशन और ये जरूर है कि दे बिकम माई स्पोर्ट्स सेल. मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकअप मिला. हाँ, मेरी मदर शी फॉलोड मी इन द ट्रेनिंग. जब मैंने ट्रेनिंग के लिए ये टेस्ट के लिए जाना था, शी अकम्पनीड मी. वो मेरे साथ जाती थी, बैठती थी, बिकॉज इट वॉज वेरी फर्स्ट चांस व्हेन आई गेटिंग आउट ऑफ माई होम. मैं केपीके से, आई बिलोंग टू केपीके. अच्छा. और वहाँ थोड़ी सी माहौल ऐसा है कि फैमिली, बिल्कुल केपीके में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बल्कि किसी लड़की को बाहर ऐसे घर से निकालना या उसका कुछ काम करना तो बिल्कुल ही सख्ती होती है. और आप केपीके से हैं, कैसे? तो यस, दिस फिर भी आई वॉज लकी कि मेरी मदर अकम्पनीड मी. पेशावर में टेस्ट हुए थे हमारे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थे, शी वेंट विद मी. वो बैठी रही जब तक टेस्ट होता रहा. उन्होंने मतलब शी वॉन्टेड टू गेट एक मतलब वो लेना चाह रही थी सेटिस्फेक्शन. आफ्टर इट जब मेरी अपॉइंटमेंट हो भी गई, जब मेरा आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, देन अगेन माई पेरेंट्स वेंट विद मी टू द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज. उन्होंने मेरा सारा सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स देखे, दे गेट सेटिस्फाइड एंड दे वेंट बैक. सो फॉर द फैमिली आई से आई गॉट द फुल सपोर्ट फ्रॉम देम. वाह जी, नो डाउट. आप लोग जिस फील्ड में भी हैं, आप लोग के पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल भी नामुमकिन था.